दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कहीं ब्लड डोनेट करने जा रहे हो तो कौन सी ऐसी वो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही चीज़ बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी तीन चीज़ें हैं जिसके बगैर जो है आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है कि आपका वज़न। दोस्तों अब ब्लड डोनेट करने के लिए नॉर्मल आपका वज़न कितना होना चाहिए? तो दोस्तों ब्लड डोनेट करते समय नॉर्मल जो आपका वज़न है वो 45 किलो कम से कम होना चाहिए, 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका वज़न जो है 45 किलो तक है तो आपका जो है ब्लड लिया जाएगा। अगर 45 किलो से कम आपका वज़न है तो दोस्तों आपका ब्लड जो है नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ है आपको ध्यान रखने वाली है वो आपके शरीर के अंदर जो है ब्लड की मात्रा। दोस्तों आपके शरीर के अंदर कितना ब्लड है इसका भी आपको खासकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप ब्लड देने जाते हो तो ये चीज़ चेक की जाती है। अब दोस्तों आपका नॉर्मली जो है ब्लड आपके शरीर में कितना होना चाहिए ब्लड डोनेट करने से पहले? तो दोस्तों 5 से 6 लीटर जो है आपके शरीर के अंदर ब्लड होना चाहिए ब्लड डोनेट करते समय। अगर दोस्तों आपके शरीर 5-6 लीटर से कम ब्लड होगा तो आपका जो है ब्लड नहीं लिया जाएगा। तो नॉर्मली जो है आपके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए ब्लड डोनेट करते समय। उसके बाद दोस्तों जो सबसे खास देखा जाता है वो देखा जाता है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है। दोस्तों जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो सबसे पहले आपके ब्लड का चेकअप किया जाता है, उसके बाद ही आपका ब्लड निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर ऐसे में आप बीमार हो तो आपका जो है ब्लड नहीं निकाला जाएगा। तो जब भी दोस्तों आप किसी को ब्लड देने जाते हो तो इन तीनों चीज़ों को जो है ध्यान से देख लें कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपका वज़न सही है और आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा बिल्कुल सही है। अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तभी आपका जो है ब्लड निकाला जाएगा। और दोस्तों कई व्यक्तियों के दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं अपना ब्लड निकलवाता हूँ, दान करता हूँ, तो मेरे शरीर के अंदर जो है खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी आप खून निकालते हो 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आपका शरीर उतना ही ब्लड जो है फिर से रिजनरेट कर देता है। और दोस्तों अगर आप अपने शरीर से ब्लड निकलवाते हो, रक्तदान करते हो, तो आपका जो है ब्लड कम नहीं होता, सब वो जो है आपका ब्लड प्यूरीफाई होता है और आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अगर आप ब्लड डोनेट करते हो। और दोस्तों ब्लड डोनेट करते समय एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको 3-3 महीने पे, अगर आप पुरुष हो तो आपको 3-3 महीने पे आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, और अगर आप महिला हो तो आप 4 महीने पे जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। और दोस्तों ब्लड डोनेट करने से ना तो आपको कमजोरी होती है और ना ही कोई आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।